शीशे नूं कीता इक सवाल कुड़ी ने बड़े ही जवान मुखड़े ते अस्सलाम वालेकुम। पहले तो डे 3 शुरू हो गया, जा रहे हैं जी खंजरा पास, आपको दिखाते हैं आगे जाके। सुबह के तकरीबन सुबह सुबह का टाइम है, निकलने लगे। टाइम सुबह सुबह 7-6 बजे है, कितना टाइम है? 5 बजे है। 5 बजे अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, आगे 5:18 खंजरा पास जाके ब्रेक लगाएंगे, बिस्मिल्लाहाबाद लेके रुकेंगे थोड़ी देर, वहाँ पर फोटो पिक्चर वगैरह लेके आपको मिलते हैं अताबाद के रास्ते में। खंजरा पास का पशुगंज दिखाएंगे, पशुगंज और खंजरा पास में टेम्परेचर आ रहा है -15, तो फुल हार्ड सीन है, आपको दिखाते हैं आगे जाके, मजा आएगा जी। पहुंच चुके हैं जी कराकरम हाईवे पे, निकल चुके हैं होटल से चेकआउट करके। आगे उमर भाई किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अताबाद, जिधर से जाके हम नाश्ता करेंगे, फिर आगे सोसाइटी ब्रिज करते हुए सोसाइटी ब्रिज जाएंगे, सारा पिएंगे और आगे एट चाइना बॉर्डर उधर से होंगे जी। नाजरीन आप देख सकते हैं कि हम अब निकल चुके हैं तकरीबन 3.5 घंटे के रास्ते खंजरा का, और 1 घंटे 4 घंटे अगर स्टे नहीं करते तो, अगर स्टे करते हैं तो 5 घंटे। ये ले जी पहुंच गए जी अताबाद लेक, ये देख सकते हैं आप, ये क्या व्यू है जी सुमान भाई। तकरीबन 5 टनल्स के बाद अब लेक पे पहुंचे, क्रॉस करने वाली लंबी अच्छी खासी टनल्स थी। चौथी टनल के बाद अचानक लेक सामने आई है और बंदा एक दफ़ा गुमसुम हो जाता है लेक देख के। बिल्कुल इतनी बड़ी लेक है कि अभी तक इतनी बड़ी हमने पूरे टूर में लेक नहीं देखी। वो कौन सी लेक उधर आपने देखी? लुलुसा लेक भी इतनी बड़ी नहीं है। सही कह रहे हैं, माशाल्लाह मेस्मराइजिंग मोमेंट है ये, बहुत 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 जबरदस्त है, जबरदस्त है जी। नाज़रीन आप यहाँ पर आए हैं अताबाद लेक, बहुत प्यारी झील है, वाकई अताबाद लेक है। ये इसकी हिस्ट्री ये है कि ना 2005 में जब जलजला आया था ना, तो काफ़ी बस्तियाँ डूब के ये लेक निकली थी। छोटी सी लेक होती थी एक लिमिटेड पॉइंट तक, लेकिन इतनी बड़ी झील बन गई हुई है आपकी। ये देखें आप, ये तकरीबन बहुत बड़ी झील है। इसका नाम क्या है? ये झील तब बनी थी 2005 के अंदर जब इसके अंदर जलजला आया था जी। नाजरीन आपको दिखाते हैं, अगर पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो मिलते हैं एक शॉट जी। नाजरीन ये अताबाद के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, चेक करें, बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत व्यूज़ हैं, बहुत खूबसूरत अल्लाह की कुदरत नज़र आती है, क्योंकि अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक निशानी है, बंदे के लिए एक सबक है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बड़ा पहाड़ी इलाके में है ना, हर एक चीज़ पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। मैंने देखा है कि हर चीज़ में अल्लाह की एक नेचर नज़र आती है। हम सभी यही आया अरबिक माथों का जब अल्लाह की हर नेमत में, अल्लाह की हर नमत नज़र आती है यहाँ पर हैं। अल्लाह ने ना इस दुनिया बेवजह नहीं किसी चीज़ को बनाया, किसी ना किसी चीज़ का फ़ायदा है माशाल्लाह जी। चेक करें खूबसूरती, ये चेक करें, ये देखें खूबसूरत लेक, ये वहाँ तक जाती है, वो वहाँ से आगे माशाल्लाह बहुत प्यारी लेक है। लो जी हमारा पिक्चर सही हो गया, हम पिक्चर्स लेने के बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। जी हाँ नाज़रीन पहुँच गए हैं जी अताबाद से आगे, अताबाद पीछे रह गई वहाँ पर, तो ये आगे पशुगंज स्टार्ट होने वाला है और उसके सेंटर हम नाश्ता करते हैं। ये दिखाइएगा ज़रा, ये हम इधर से नाश्ता कर रहे हैं, ये मोहसिन भाई हैं, अली भाई हैं, उस्मान भाई, क्या खा रहे हैं आप? हाफ फ्राई एग साथ चाय। आप क्या खा रहे हैं? मैं ऑमलेट के साथ चाय और पराठा। वही छावे तो बड़ी तेज। हाँ जी मोहसिन भाई आप क्या खा रहे हैं? अंडा पराठा, हाफ फ्राई और साथ चाय। ले दे ये व्यूज है इधर के, ये देख जी भाई जन क्या बना रहे हैं? पराठे बना सर। कैसे लगाइएगा जरा? माशाल्लाह घी लगा के बना रहे हैं जी, ये देखें माशाल्लाह। भाई जान कहाँ से हैं? अताबाद की है माशाल्लाह। भाई ये भाई भी, ये भाई भी अताबाद के, ये बल्तिस्तान का। मेरा नाम सलीम है सर, इनका नाम आमिर खान जी सर। ये आमिर भाई हैं, ये सलीम भाई हैं जी सर। माशाल्लाह तो ये कैंप से क्या जी आपको मिलते हैं नाजरीन रोटी के वक्त, अभी बहुत भूख लगी है। अल्लाह हाफिज़ जी। ये देखें
मैं ना आया था थोड़ा दूर, भाई लोग वो बैठे हमारे यहाँ पर करके, ये देखे मैं आया था थोड़ा दूर वॉशरूम करने वगैरह आया था, तो ना मैंने ना मुझे बड़ा एक ना एक हैरान कौन चीज़ लगी, कहीं भी नहीं ऐसे मतलब कि आबशार बहरी वो देखे हम, आबशार बहरी है ये देखे माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत चेक करें कि अल्लाह ताला ने हर जगह अपनी ना एक निशानी रखी है, अभी एक निशानी है अल्लाह ताला की, निशानी ये है कि इसके अंदर आपको एक ऐसी जगह, क्यों यहाँ पर भी निकल सकता था, यहाँ क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, इस वजह से कि अल्लाह ताला जिसको चाहे वहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आपको नेमत अल्लाह की, ये देखिए एक निशानी है कि कहाँ से पानी आ रहा है ना, आसमान से आ रहा है, पहाड़ों के अंदर से ही जा रहा है, कई सालों से, कई अरबों सालों से ही जा रहा है, ये देखें कुदरत है ना अल्लाह की। ये देखें पानी भी बड़ा ज़्यादा है खड़ा है, मेरे शूज़ भी गंदे हो गए हैं, मैं ना फिर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से चलते थोड़ा जेलें जी, सर पहुँच गए, खा पी लिया, नाश्ता करने आए थे, नाश्ता करने आए थे तो नाश्ता वास्ता कर लिए, देखें चाय वगैरह पी लिया, यहाँ पर रुके हो गया से, अब इस जगह को अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, आगे की तरफ निकलेंगे, धूप बहुत है, धूप कम्प्लीट हो गई है, आसरा हो गया, निकलते हैं आगे खुंजराब की तरफ, टाइम कम है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जाएंगे जितना हो सके, कुंजराब से वापस आएंगे जितना हो सके, आज कवर करना है इंशाल्लाह, कल हम इंशाल्लाह लाहौर पहुँचे, ताकि कोशिश करें लाहौर पहुँचे कल इंशाल्लाह, पहुँच जाएंगे उम्मीद है, मिलते हैं आपको। माशाल्लाह मेरे फोन की बैटरी भी लो है, चलो आपको थोड़ी क्वालिटी में फर्क आया, तो सैनी ब्रिज आ गया, ये देखें माशाल्लाह जी, नाज़रीन पहुंच चुके हैं जी चना बॉर्डर, टिकटे शिकटे नहीं है, सारे रास्ते सोए हुए हैं, सारे रास्ते सोए हैं, ये देखने पीछे ये जो है ये है चना बॉर्डर के पीछे, मतलब कि वहां से टिकटे टुकटे लेंगे, आगे अब रवाना हो गए, मिलते हैं आपको आगे चना बॉर्डर दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये जानवर है कोई अजीब सा, कुंजराब पास के रास्ते में मिला है, ये देखें माशाल्लाह व्यू चेक करें, ये देखें माशाल्लाह, भाई कह रहे हैं शाम खाते हैं, अब अल्लाह जाने, आ जाए चलते हैं जी। नाज़रीन जी पहुंच गए जी चाइना बॉर्डर, इस वक्त हम बिल्कुल चाइना बॉर्डर के सामने, भाई जान दिखाएं जरा चाइना बॉर्डर दिखाएं, माशाल्लाह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, पाक चाइना बॉर्डर, पाक चाइना बॉर्डर, ये देखिए ये पाक चाइना बॉर्डर है, माशाल्लाह अपनी हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, हमारा टारगेट था भाई आखिरकार रीच, दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, सर्दी है लेकिन जो वेदर देखे हैं थे
वो साहब नहीं है, मेरा ख्याल है उतना नहीं है, मेरा ख्याल इतना नहीं है। नहीं बाबू सर से कब सकती है, हाँ इधर माइनस में नहीं है लेकिन सर्दी है हवा उसकी। ये देखिए बर्फ के पहाड़ नीचे और हम ऊपर आ गए हैं। वापस निकल लगे अल्लाह हाफिज कर लगे चाइना बॉर्डर को, आखिरी नज़ारे पता नहीं फिर नसीब होता या नहीं। अब जा रहे हैं चाइना बॉर्डर को छोड़ के, इंशाल्लाह जरूर दोबारा आएंगे अगर मौका मिला। इंशाल्लाह अभी निकलने की तैयारी में है चाइना बॉर्डर टूवर्ड्स लाहौर, हमारे जितना उसी के आता है करना। गिलगित रुके, गिलगित रुकेंगे, चलास रुके, चलास रुकेंगे, नरार रुके, नरार रुक जाएंगे। टाइम 12 बजे रात 8-9 बजे तक जितना चल सके चलेंगे। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, आपको मिलते हैं आगे कुछ शॉर्ट्स अगर, मेरी बैटरी भी 2% है, आपको आगे मिलेंगे अगर शॉर्ट्स मिलते हैं। ओके ये आपको आगे पे दिखाया था, ये सारे इधर की पॉइंट्स है जो जी जी यार इधर रुकना नहीं था इधर। अच्छा तो ना अब हम जा रहे हैं जितना हो सके आगे तक जाएंगे, वैसे अगर हो जाए चलास बेहतर। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, कोई अच्छी चीज जगह आई आपको दिखाएंगे, फोटो ला लेंगे। गिलगित पहुंच चुके हैं, यहां स्टे किया है, चलास का मोड़ था लेकिन गिलगित पहुंचे हैं, होटल ढूंढ रहे हैं, यहां पर आए हैं होटल में, होटल में हैं, होटल इंशाल्लाह अल्लाह करे होटल होटल आए हैं, देख रहे हैं कमरे चाहिए दो, 8 बंदे हैं, 7 हम हैं और एक ड्राइवर है, 8 लोग हैं। वाशरूम फ्लश वाला देखना प्लीज़, कमोड वाला ना लेना। पास लो जी, इधर आए हैं हम, इस वक्त गिलगित में आए हैं, हमने जाना था चलास लेकिन टाइम और बारिश मौसम ख़राब हो गया था तो हमने यहीं स्टे करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा किया है। अब हम होटल ढूंढ रहे हैं, होटल और टैंकियां खाली करनी है, लॉज गिलगित, गोल्डन लॉज गिलगित, लाउंज लिखना चाहिए, पता नहीं क्या लिखा होगा जो भी है। गए हूँ मैं ऊपर भाई होटल देखने, देखते हैं क्या बनता है। जी आपको नाज़िर मिलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं होटल में।